नमस्कार दोस्तों, जुबिलेंट इनग्रीविया के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स दोस्तों, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, प्रिंटिंग बहुत ही घटिया किस्म की इन्होंने के रखी है और उससे भी ज़्यादा परेशानी का कारण है नंबर लैक में है, तो काफ़ी हद तक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों हमको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं और देखते हैं सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन यानी प्योरली धंधे के बेसिस पे। सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो इस बार आए हैं 1024 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों 1046 करोड़ थे और एक साल पहले ये दोस्तों 1151 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट है। बात करें अदर ऑपरेटिंग इनकम की तो इस बार 6.3 करोड़ रहे, जो पिछले क्वार्टर में 14.48 करोड़ थे और एक साल पहले 6.43, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर मोर ऑफ लेस फ्लैट है। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा दोस्तों 1030 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1061 करोड़ थी और एक साल पहले 1157 करोड़, ठीक है। अदर इनकम को जोड़ लेंगे यहाँ पे, जो इस बार 9.6 करोड़ रही है और पिछले क्वार्टर में 8.36 थी और एक साल पहले 9.47 करोड़ थी, तो आप यहाँ पे टोटल इनकम पाएंगे 1040 करोड़ रुपीज़, ठीक है। टोटल इनकम अदर इनकम के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, जो पिछले क्वार्टर में 1069 करोड़ यानी गिरावट है और एक साल पहले 1167 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट है, यानी जो कमज़ोर नंबर्स का सिलसिला है वो थमने का यहाँ नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों। बात करें खर्चों की तो क्या खर्चों ने कुछ राहत दी है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे बड़ा खर्चा 578.81 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 544 करोड़ था और एक साल पहले ये 683 करोड़। तो देखिए, आपका धंधा अगर ज़्यादा हुआ है तो माल ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री में इस बार 55 करोड़ का पॉजिटिव रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 20.97 यानी 21 करोड़ रुपए का घाटा था और एक साल पहले 69.18 करोड़ का पॉजिटिव था, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 83 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ था और एक साल पहले 73 करोड़ था। बात करें दोस्तों अदर एक्सपेंसेस में, देखिए केमिकल कंपनी है तो पावर और फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है और यहाँ पे 162 करोड़ का खर्चा आया, जो पिछले क्वार्टर मात्र 153 करोड़ था और एक साल पहले 193 करोड़। तो आप जब इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे दोस्तों तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगी 963.55 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1012 करोड़ थी, इस बार 963 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 1054 करोड़ थी। और यही कारण है जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप जाएंगे ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मजबूती है दोस्तों, कितनी 76 करोड़ रुपये, क्योंकि खर्चे कम हुए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आपके देखेंगे तो थोड़ी कमी आती है आपको दिखाई देगी, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और तमाम चीज़ों के बाद जब आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे नीचे लेकर के चलता हूँ, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देखेंगे 54 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 39 करोड़ थी और एक साल पहले 76 करोड़ थी, ठीक है। यही कारण है कि ईपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ोतरी है लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ठीक ठाक से नंबर है, लेकिन बाजार मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव ले सकता है, लेकिन जिस तरह का बाजार स्टेरॉइड में दोस्तों आजकल कोई भी चीज़ चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये इस प्रकार के नंबर थे, थोड़े से आप कह सकते हैं ये स्टैंड अलोन के नंबर थे दोस्तों, और थोड़े से आप कह सकते हैं प्रिंटिंग खराब है, ठीक है। और अगर आप इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि भाई साहब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू क्या रहा है, तो इस पर भी हम चलते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो लैक में ही नंबर दे रखा है, तो देखिए सेगमेंट वाइज में स्पेशलिटी केमिकल में आप देखेंगे, यहाँ पे वन सेकेंड स्पेशलिटी केमिकल में तो 504 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो अब और गिर करके 446 करोड़ हो गया है, एक साल पहले 456 करोड़ था। तो स्पेशलिटी केमिकल दोस्तों लगातार कमजोरी दिखा रहा है। हाँ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन में जंप है, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 129 करोड़ था वो जंप होके 175 करोड़ को भी पार करके 176.2 करोड़ हो रहा है, 20 करोड़ में रहा है, और एक साल पहले जो लगभग 190 करोड़ था उसमें कमी आई। हाँ, केमिकल इंटरमीडिएट्स देखेंगे तो इस बार 485.89 यानी 486 करोड़ आप कह सकते हो, जो पिछले क्वार्टर 476 करोड़ थे, एक साल पहले 615 करोड़ थे, तो ईयर ऑन ईयर एक बड़ी गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर आप देखेंगे थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन हेल्थ ने काफ़ी अच्छा काम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ठीक है। तो भाई देखिए, दबाव तो है, खासकर स्पेशलिटी केमिकल में अभी भी दबाव है, जब तक स्पेशलिटी केमिकल को अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक कोई बहुत बड़ा जंप हो ऐसा मुझे नहीं लगता दोस्तों। तो एक छोटी सी एनालिसिस थी आपके साथ शेयर करने की, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है, जय हिंद।